इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय, श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित, श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत, श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म सैंभव आत्माओं, तप की चर्चा पद की चर्चा है। तप पद हमें दिखाता है, तप हमें अंदर की शक्ति से परिचय कराता है, तप हमारे जीवन में हमें पकाकर स्वर्ण की तरह बिल्कुल शुद्ध कर देता है। तप ही है वो जो हमारे जीवन में हमें हर चीज दिलाता है। ये मत सोचना कि खा पी कर हमने खाना पीना छोड़ दिया वो ही तप है। जो किसान खेत में खड़ा है वो भी कोई तपस्या कर रहा है। ख्याल करके रखना, व्यापारी सुबह से शाम दुकान में बैठा है वो भी कोई तपस्या कर रहा है। एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है जन्म देने के लिए, वो भी एक तपस्या कर रही है। एक पढ़ने वाला बच्चा स्कूल में पढ़ने के पहले खूब रीडिंग करता है परीक्षा के लिए, वो भी एक तपस्या है। आप विचार करके रखना, संसार में जो लोग भी जो कुछ कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सब उनकी तपस्या है, लेकिन वो सारी की सारी तपस्या संसार की ही है। संसार की इच्छाओं का ही उनका समन दमन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये तप जो तुम्हारा चल रहा है उसे समझने का प्रयास करो। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना तप है। तपसा निर्जरा, तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म क्षयते इति तपः, जो कर्म को क्षय करा दे वो भी एक तप है। स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय भी एक तप है। ये हम लोग पढ़ते हैं और सुनते भी रहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग नहीं मालूम। हम ये नहीं समझते कि ये छोटे छोटे सूत्रों में कितनी बड़ी बात कह दी गई। और आज तो आचार्य ने यहाँ संसार के लिए तुम्हें कुछ नहीं कहा, आचार्य ने कहा है कि संसार से पार जाने की व्यवस्था बता रहे हैं। सातवां दिन हो गया है, 10 लक्षण वालों को पता ही नहीं चल रहा है। थोड़े लोगों को जिन्होंने पहली बार किया है उनको थोड़ा लगता ही है कि खा पी कर सब कुछ छोड़ दो और उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनको आज महत्व मालूम पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, तपा हो आग में बही स्वर्ण चौखा है, तपा हो आग में बही स्वर्ण चौका है। गुरु को पहचान ले बही नर अनोखा है, समय कम है कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, वरना हर सांस में धोखा ही धोखा है। विचार करके रखना, जो तपस्या आपकी चल रही है खाना पीना ही नहीं छूटा है, आपको अपने आत्मबल का पता चल रहा है कि हमने अपने आत्मा में इतनी शक्ति छिपा रखी है। 24 घंटे खाने पीने वाले लोग, ख्याल करके रखना, जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो तो रात को छोड़ देते हैं, पानी भी छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे युवा साथी, युवा बच्चे जो आज कर रहे हैं, 24 घंटे उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए, रात दिन उन्हें कुछ खाने पीने को चाहिए। जब उन्हें लग जाए, जहाँ जो मिल जाए वो खाने पीने को चाहिए हर चीज़। आप विचार करना, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जिनके मुख में हमेशा तम्बाकू गुटखा मसाला दबा रहता होगा, उसके बिना एक घंटा भी निकालना मुश्किल पड़ता होगा। और ऐसे भी लोग होंगे जिनको भूख सहन होती नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोल दिया सुबह बिना पेट भूखे नहीं, बिना खाए पिए रहना नहीं, कुछ ना कुछ खा लेना नहीं तो कुछ हो जाएगा। और वो सभी लोग 32 उपास की, 16 उपास की, 10 उपास की साधना कर रहे हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात ख्याल करके रखना।
जिन्हें के मुख से भोजन छूटता नहीं था वो अभी स्वेच्छा से छोड़ दिए, नहीं खाना है मुझे, नहीं मेरे को पानी पीना है, नहीं मुझे कुछ करना है। और तो और उनकी तपस्या कितना, मौसम भी कितना सुंदर उन तपस्या वालों के लिए हो गया, नहीं तो हमें यहाँ पर तो ये डरा दिया गया था पर्यूषण जैसी गर्मी कभी होती नहीं है। कहाँ गई वो गर्मी, कहाँ गई वो तुम्हारी बाहर की चीज़ें, ये सब तपस्या वालों का प्रभाव है। मैं आपसे कहूँगा अपने जीवन में तप करने का प्रयास करो। ये शरीर तो हर किसी को मिलता है, 135 करोड़ इस भारत के लोग हैं, कितने तपस्वी होंगे? 135 करोड़ में हमारे ख्याल से 25-50 करोड़ को तो खाने को मिल नहीं रहा है, इसलिए भूखे रहती होंगी, क्योंकि सुबह से शाम बड़ी मेहनत से उनकी रोटी चलती होगी। और गरीब परिवार तो ऐसे भी होंगे जो एक दिन खाते होंगे 4 दिन पानी पी के रहते होंगे, ख्याल करना वो भी तपस्या कर रहे हों, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें मिल ही नहीं रहा है। 25-50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास खूब खाने को होगा, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर रखा होगा, दाल का पानी पियो बेटा, कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते हो, पचेगा नहीं तुम्हें, इससे भी उन्हें छोड़ दिया होगा। 10 करोड़ लोग होंगे पूरे भारत में जो स्वस्थ होंगे, जो खाना चाहे खा सकते हैं, अच्छे से रहते होंगे, लेकिन मुश्किल से उन 10 करोड़ लोगों में भी 1 करोड़ भी जैन नहीं है। गिनती में देखा जाए, वैसे तो बिना अगर उसके देखा जाए तो जैनियों की तादाद बहुत है, लेकिन फिर भी, और उसमें भी 1 करोड़ जैनों में भी कितने, विचार करना, 50 लाख भी जैन तपस्या नहीं कर रहे होंगे। पूरे भारत में 25 लाख भी जैन तपस्या नहीं कर रहे होंगे, मुश्किल से 10 लाख जैन तपस्या में होंगे, और 10 लाख तपस्या करने वाले जैनों में भी 1,000 जैन ऐसे होंगे जो 32 उपास की साधना और 16 उपास की साधना में 1,000 जैन होंगे, विचार करके रखना। लेकिन 10 उपास की साधना जो आप लोग कर रहे हो, भले ही लाखों में नहीं हो लेकिन हजारों में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी वो साधना करोड़ों लोगों पर भारी पड़ रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो करोड़ों लोग एक तरफ और तुम हजारों लोग, चलो दूर छोड़ो, हम छोटे मापदंड को कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा गणित निकालें तो वो होगा नहीं। गुवाहाटी के अंदर 2,500 परिवार, और 2,500 परिवार में कम से कम 10,000 लोग कितने तपस्वी हैं, 200-250 तपस्वी हैं, वो 8,500 लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, 9,000 लोग, 9,500 लोग खा रहे हैं, उनमें 200-250 तपस्वी हैं। आप कितने महान हैं आपने सोचना, उन 9,000 लोगों में आपका एक सम्मान, आपकी एक तपस्या उन पर भारी पड़ रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खा खा कर मरने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन उपवास कर अपने शरीर को मजबूत बनाने वालों में आपके नाम लिखे जा रहे हैं। आपकी तपस्या से आपको मालूम पड़ेगा कि हमने जीवन भर खाया है पिया है, हमने कभी भी कुछ भी हुआ, हम महिलाएं तो बनाते बनाते चख लेती हैं। अब एक बच्ची आई, बोला महाराज मेरा उपवास है, लेकिन चौके में गए तो उनने पूछ लिया ये दाने में नमक है कि नहीं है, उसने मुँह में रख ही लिया। अच्छा कहने में भूलेगी कि मेरा उपवास है, ये महिलाएं तो खाते खाते चख ले, उसने फिर पर प्राश्चित ले लिया। लेकिन आप विचार करना, अभी 32 दिनों से और 32 दिनों में अभी जितनी साधना हो गई, 16 दिनों की साधना हो गई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं मिला, ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, ये शरीर विचार करना उपभोग के लिए नहीं मिला, ये शरीर साधना के लिए मिला है। शरीर से साधना करना ही पड़ेगी। अगर आप सोचो शरीर को सुखाने से क्या फायदा,
ये तो उपवास नियम संयम सब शरीर में हो रहे हैं, विचार करना। शरीर से सुखाने से कोई फायदा नहीं है, शरीर को तपाने से कोई फायदा नहीं है। शरीर कर रहा है, आत्मा तो उपवास करती नहीं है। पहली तो बात, आत्मा खाती ही नहीं, खाता भी तुम्हारा ये शरीर है। जो शरीर है वही खाता है, वही तुम्हारे जीवन में भटकाता है। आत्मा तो कहती है हम अच्छी जगह ले जाएंगे, लेकिन आत्मा की तुम सुनते कहाँ हो, तुम सुनते शरीर की हो। तो शरीर का जो उपवास तुम्हारा चल रहा है ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये काय का उपवास काय का ही नहीं रह जाए, ये तुम्हारी कसाय को भी कम करने में कारण बने। काय क्रस नहीं करना है विजय भाई, काय क्रस तो हमने कई बार की जब हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस बार हमें कसाय को भी क्रस करना है। क्योंकि जो कुछ हमने अपनी कसाय मन में रख रखी हैं, या हमारे माध्यम से जो भी तपस्वी बैठे हैं, ख्याल करके रखना, जैसे तुमने शरीर को दाना पानी देना बंद किया, शरीर नखरे भूल गया सब करना, खूब उछल उछल के चलते थे, हाँ एक कदम यहाँ और चार कदम बाहर, खूब अब कहो शरीर से चलो भैया उछलो चल के, तो कह नहीं बाबा मैं तो जाऊँ वहीं से। अच्छा, तो जैसे तुम्हारा ये शरीर को दाना पानी बंद हुआ, शरीर का दाना पानी बंद हुआ, शरीर ने उछलना कूदना बंद कर दिया, वैसे ही अपनी कसाय को दाना पानी देना बंद कर दो। आप विचार करके रखना, यहाँ से आंखों से देखा और मुँह से निकाल दिया, आंखों से देखा कानों से सुना और अंदर अपने घर में हृदय में स्थान बना दिया, परमानेंट उसे रख लिया, वो कसाय तुम्हें जीवन में कभी चारित नहीं लेने देगी। अनंतानुमंदी कसाय सम्यक दर्शन नहीं होने देती है, अप्रत्यक्षान कसाय तुम्हें वृत्ति नहीं बनने देती है, प्रत्यक्षान कसाय तुम्हें मुनि नहीं बनने देती है, और संजनन कसाय तुम्हें मोक्ष नहीं जाने देती है, मैंने बताया था आपको। तो कसाय भी क्रस करो। वाणी का तप यही होगा कि तुम्हारे मुख से किसी की निंदा नहीं होना चाहिए। वाणी का तप होगा जब भी तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकले तो अच्छे सकारात्मक निकले, नकारात्मक नहीं निकले, चाहे वो अपने लिए ही क्यों ना हो। हम दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी नकारात्मक बन जाते हैं। कैसे हम अपने लिए नकारात्मक ऐसे बन जाते, हमसे नहीं होगा। अभी कहां से शक्ति आ गई, पहले दिन बोल रहे थे कि महाराज हमसे होगा नहीं, और आज सातवा उपास, आज 16 कारण बालों का कितना, 11वां उपास, और 32 बालों का रिकॉर्ड टूट। आप विचार करके रखना, 20, 22, 25 हाँ 26 बाप रे, हमको तो खापे के तुम्हारा आ जाए, इन लोगों के 26 उपास होकर देगा, तो ये हमारा शरीर सद गया। ऐसी वाणी का तप करें, मुख से मन में विचार। देखो मैं एक चीज बोलता हूं आपको, वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट तुम्हारे खुद के हैं। वाणी और विचार दोनों के कारखाने तुमने खुद लगा रखे हैं अपने पास। जैसा माल डालोगे वैसा ही माल निकलेगा। तो विचार में भी, विचार का तब मन में कभी किसी के बारे में अशुभ सोचना ही नहीं है। जन्म जन्म से अशुभ सोच सोच कर हम संसार में ही पड़े हैं, हम अपना शोध भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बार तो अपना जीवन में मन में बचा लो, एक बात का ख्याल करो, क्या करना, राम ना मारे काऊ को ऐसे भोले राम, मर जाए आपो आप कर कर खोटे खाम। ख्याल करना, जो खोटे काम करेगा वो अपने आप मरेगा, तुम काय के लिए। हमें तो कई बार ये लगता है, जब आतिशबाजी छुटाते हो ना आप लोग, क्यों छुटाते हो आप लोग पटाखे, दूसरे छुटाएं, आप आराम करो मस्त करो। आप विचार करके रखो, हम तो इतना ही सोचने का प्रयास करें, अशुभ सोचने वालों को सोचने दो, तुम तो मालिक बनकर रहो, तो मालिक बनकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। गाड़ी आपके पास एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं, गाड़ी चलाने वाला कौन है, ड्राइवर या तो, तुमको आती भी नहीं होगी, ड्राइवर ही चलाता तो बैठना आता है।
तो ऐसे ही हमारे मन में जो ड्राइवर है ना, उसे हिंदू ड्राइवर में उसमें हम क्यों इन्वॉल्व होते हैं? तन मिला तुम कब करो, करो कर्म का नाश। तन मिला है तब करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी ये देखे तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी ये देखे तुम में दिव्य प्रकाश। कितना प्रकाश है, भक्तामर में पढ़ते हो ना, हजारों सूर्य के समान है भगवान का प्रकाश, हरायो चंद्रमा के समान उनकी शीतलता है। और वो भगवान कहीं और से नहीं आए हैं, वो भगवान तुम लोगों के बीच से निकलकर अपने आप वो प्रकाश को पा गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, यहाँ जो साधु संत बैठे हैं, ये जो तपस्वी बैठे हैं, ये कहीं आसमान से गिरे नहीं हैं। पहले मेरी ये धारणा थी, मैं घर में रहता था तो मैं सोचता था कि ये मुनि महाराज होते हैं, ये साधु संत होते हैं, ये कहीं आसमान से आते होंगे या कोई बहुत घनघोर जंगल से निकल के आते होंगे। ये आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, बहुत पवित्र और बहुत महान होते हैं, और कभी हम बन ही नहीं सकते, कभी हम इन तक पहुंच ही नहीं सकते। इनके चरण स्पर्श करना भी हमारा बड़ा पुण्य, बड़ा सौभाग्य होता होगा, तो ही हम इनके पास जा सकते हैं। इटावा में हमारे कल्याण सागर जी महाराज आए थे, 1980 या 82 की बात है, मैं छोटा 7-8 साल का रहा होगा। और जब वो कल्याण सागर जी महाराज आए तो मालूम पड़ा कि 2-2 बजे तक लाइन, 2:30-2:30 बजे तक लाइन लगी है पीछे लगवाने को, केवल पीछे लगवाने को। कहाँ कहाँ से आसपास के 50-100 किलोमीटर के गांव के लोग बसें ले लेकर आ रहे हैं, बस मैं कल्याण सागर के पीछे लगाना। मेरे को लगता था बाबा जी बड़े महान महाराज होते हैं, बड़े संत ऐसे होते हैं। हमारी भी माँ हमको ले गई, 12 बजे तक खड़ा खाना खिला के 12 बजे खड़ा किया, 8 बजे नंबर आया पीछे लगवाने, केवल पीछे लगवाने का। लग गए तो सोचा धन्य हो गए। मुझे तो कभी कभी ये लगता है वो उनकी पहली पीछे लगी तो आज हमारे हाथ में ये पीछे आ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संतों की पीछे भी बहुत काम में होती है, पहली पीछे उनकी जीवन, उसके जीवन में लगने के बाद परिवर्तन अपने आप आता है। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता था कि ये तपस्या करना, ये सब करना बहुत बहुत महान है, जब हमारे इटावा में जब उनकी दीक्षा हुई सौरभ सागर जी की, हमारे सामने हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ दीक्षा हो रही है, उन्हें लंगोटी उतारी और हो गए दिगंबर। आप विचार करके रखना, हो गए मुनि महाराज। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सरल काम है, ये तो बड़ा साल काम है, कपड़े छोड़ दिए और हो गए महाराज। और उनके पास और सब गुरुओं के पास जाकर देखता था, अनुभव करता था, सामायिक में बैठता था, आपस के साधुओं का प्रेम देखता था। तो विचार करके रखना, ये सामान सा देखते देखते ऐसे पुण्य जागृत हो गए कि आज वो साधना जो हमें तपस्या बहुत कठिन लगती थी, आज खुद करने लग गया हूँ या खुद कराने लग गया हूँ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात का ख्याल रखना, जब तक डरते रहोगे तब तक तपस्या डराती रहेगी। आज इतना ही कहूँगा, तपस्वी जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सबकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, इनकी काय क्रस करते करते इनकी कसाई भी क्रस हो, इनकी भौतिक चाह भी छूटे और अपनी तपस्या से उस परम तत्व को पाएं। ये अपनी भावनाओं के साथ ओम नमः। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय, श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित, श्रीमती ऋतिका पाटनी, श्री रजत, श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा।